नमस्कार मैं निजू स्वागत करता हूं है। सभी का अपने चैनल भोजपुरी गौसे पे तो जी चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं कैमरा मैन इधर जूम कीजिए रितेश पांडे जी काफ़ी दिनों के बाद लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं स्वागत है भैया बहुत बहुत धन्यवाद कैसे हैं बहुत बढ़िया पैर कैसा है अच्छा है भगवान की कृपा से आप काम काम चालू हो गया है फिल्म कर रहे हैं तो इंजरी तो थोड़ा क्रिटिकल था तीन महीना बेड पर रहे लेकिन ईश्वर की कृपा से आप एकदम स्वस्थ हैं स्वस्थ है मस्त हैं तभी गेटअप दिख रहा है पूरा फिल्मी लुक जी जी क्या कहिएगा बनारस की धरती पर आप यहीं पर फिल्म शूट कर हाँ ये तो सौभाग्य की बात है कि बनारस में हम लोग शूट कर रहे हैं और चारों तरफ जहाँ भी आउटडोर के लोकेशंस पे हम लोग जा रहे हैं सबका कोऑपरेट बहुत अच्छे से मिल रहा है प्रशासन से लेकर पब्लिक तक का तो अब इसके लिए ऋणी हैं हम बनारस के लोगों को फिल्म का टाइटल ही थोड़ा डिफरेंट है भ्रातृ दोस्त तो मतलब भाइयों के ऊपर पहला सबसे पहला तो टाइटल ही थोड़ा यूनिक एक तरीके से दिख रहा है भाई को ऊपर क्या कहिएगा हाँ नाम है इसका भ्राता दोष और जो आजकल के समाज में ऐसा चलता है कि एक भाई दूसरे भाई का सब कुछ हड़प लेता है तो पूरा हम क्लियर तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि क्यूरिसिटी क्यों का मामला है तो लेकिन आपको कहानी इसी टाइप की कुछ एकदम मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी देखने को मिलेगी आपने टाइटल पे आपने जब भ्रात दोष बोला तो टाइटल पूरा का पूरा संस्कृत वर्ड आ जाता है भ्रात्री नहीं है भ्राता दोष है भ्राता दोष तो एक तरीके से संस्कृत टाइटल की तरफ से जी आप भ्राता आप संस्कृत में ही भाई को बोलते हैं और दोष हिंदी का शब्द है जी साथ में कौन कोलेबरेट कौ कर रही की काजल बेबी काजल जी हैं तरीके का कोलैबोरेशन दिखने वाला है दोनों अच्छा दिखेगा पब्लिक को आनंद आएगा पहली बार कैमरा एक साथ। जी जी फिल्म के डायरेक्टर के बारे में क्या हाँ डायरेक्टर हमारे बड़े भैया अवधेश मिश्रा जी हैं और अब सारे लोगों ने देखा है हमारी जनता जनार्दन ने की किस प्रकार से वो एक्टिंग करते हैं और दो चार फिल्मों फिल्में वो डायरेक्ट किए हैं इधर बीच तो बहुत ही आर्टिस्टिक फिल्में बहुत ही नेचुरल लेवल से वो शूट करते हैं और ये स्टोरी की डिमांड थी कि बहुत नेचुरल बनाना है इसको तो बहुत अच्छे से और बहुत सारे लोग हैं इसमें संजय पांडे जी हैं सीपी भट्ट जी हैं हीरा यादव जी हैं पप्पू यादव जी हैं हमारे बड़े भैया संतोष पहलवान जी हैं तो अनीता रावत जी हैं बहुत सारे मझे हुए कलाकार हैं इस फिल्म में और जिस प्रकार की स्टोरी है तो बहुत बखूबी उसे निभा रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि एक बेहतर सिनेमा हम लोग बना पाएंगे अधीश मिश्रा जी जो है एक्टिंग के बाद डायरेक्शन में आते हैं और डायरेक्शन में उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं और जो एकदम जो देसी जो अंदाज होता है डायरेक्शन का और वो प्रॉपर वो फिल्मों में लेके आते हैं ये फिल्म में कितना डायरेक्शन का लेवल आपको देखने को मिल रहा है या फिर आप उनके आ, 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 आप अपने एक्टिंग को कितना निखार पा रहे हैं डायरेक्शन लाइन अभी हम लोग पहले ही काम कर रहे हैं पहली फिल्म है हमारी और उनकी एक साथ वो एज ए डायरेक्टर मैं एज एक्टर और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है उनसे तो देखिए इंसान को तो जीवन भर सीखना है तो जब जब मौका मिलता है हम सीखते जाते हैं कितना आ, फिल्म का आपके कैरियर पर ये फिल्म कितना डिफरेंट चेंज करने वाला है आपके ये आपके तो, तो देखिए भविष्य के गर्त में है अब अब फिल्म आए लोग उसे कितना पसंद करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है ये लेकिन हाँ ये उम्मीद है कि एक अच्छी कहानी को लेके हम लोग चल रहे हैं और एक अच्छा सिनेमा बना रहे हैं और अच्छे नीयत से बना रहे हैं तो अच्छा ही होगा फिल्म के प्रोड्यूसर ये फिल्म रिद्धि इंटरटेनमेंट और काशी बुल्लू फिल्म्स इंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है मतलब कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर आप ही हैं। ऐसा <laughs> है। नहीं है ऐसा नहीं है हाँ एक पार्टनरशिप और कोलैब्रैब कुलाब कोलैब में रिद्धि फिल्म्स के जो डायरेक्टर हैं वो राजीव पांडे जी हैं हमारा इसमें मैं इसका कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं हूँ हाँ ये है कि एक कोलैब करके हम लोग अच्छा सिनेमा बना रहे हैं क्या ये, ये ये फिल्म टीवी के लिए होगी या फिर थिएटर के लिए होगी दोनों जगह चलेगी ये फिल्म हम आप थिएट्रिकल रिलीज करेंगे और टीवी पे भी और सोशल मीडिया पे भी हर जगह जाएगा आजकल थिएटर पे फिल्में रितेश पांडे की रही क्यों थिएटर पे फिल्में अभी आसरा भी लगी थी जो अभी पिछली फिल्म थी जो फिल्में थिएटर के लिए देखिए अब क्या है ना कि कुछ फिल्में टीवी के लिए ही बन रही हैं कुछ फिल्में जो है थिएटर के लिए अभी हम लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे जो जिसमें हमें चोट लगा उस हुँ. फिल्म के एक्शन में तो वो भी प्योर एकदम थिएट्रिकल फिल्म है तो जो फिल्में थिएटर के लिए बनती हैं वो तो लगती ही हैं आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें कौन कौन से पाइपलाइन पे है भ्राता दोष जो अभी हम लोग कर रहे हैं भ्रष्टाचार है और आसरा तो रिलीज हो गई बहुत अच्छा रहा उसका रिस्पांस पब्लिक ने जो माटी के मूर्त वाला गाना, गाना था, था लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइन से हैं जो हम लोग पिछले समय में कर चुके हैं कुछ एक बहुत अच्छी फिल्में हैं जो जैसे डोली हो गई सैया थानेदार इनका काम लगभग लगभग पूरा हो चुका है तो वो जल्दी ही देखने को मिलेंगे आप लोग को